हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द अमाउंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 4500 फॉर 2 ईयर्स एट 5 पैसा पर रुपी इंटरेस्ट। जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि प्रिंसिपल हमको पता चला, यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है और यहाँ पर टाइम जो गिवन है वो कितना है। टाइम्स यहाँ पर गिवन है 2 ईयर्स, देखो 2 ईयर्स लिखा है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो ऐसा लिखा है, रुपीज 5 पैसा पर रुपीस इंटरेस्ट, ऐसे लिखा है। तो इंटरेस्ट, जैसे हमने रूल पढ़ा था, अगर इंटरेस्ट पर रुपी के फॉर्मेट में हो तो हम क्या करेंगे, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे मुझे पता चला, क्वेश्चन पढ़ के मुझे पता चला पी हमें पता चला 4500, टाइम कितना गिवन है 2 ईयर्स हमें पता चला। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है पी टी, और यहाँ पर देखो आर जो है गिवन है 5 पैसा पर रुपी। तो यहाँ इस चीज को समझो, 5 पैसा पर रुपी का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, किलोमीटर बाय आवर, ऐसे हम पढ़े हैं, इसको पता है आपको। पर का मतलब है डिवाइड होके 1 आवर, यहाँ पर लिखा है पर आवर, किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर पे इतना। तो यहाँ पर 5 पैसा पर आवर पर रुपी का मतलब क्या, 5 पैसा बाय रुपीज 1, इसका मतलब ये होता है ना, 5 पैसा पर रुपी का मतलब होता है 5 बाय रुपीज 1। तो यहाँ पर 5 कैसा है, पैसा में है, रुपीज जो यहाँ पर 1 जो है वो रुपीज में है। तो पैसा पैसा तो ठीक, यहाँ पर पैसा तो 5 तो पैसा में है, बट रुपी यहाँ पर, बट 1 जो है रुपी में है, तो हम 1 जो रुपी में उसको हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बाय 100 हो जाएगा। तो ये 5 बाय 100, ये 5 भी पैसा में है, अब ये 100 पैसा में हो गया, ठीक है। तो जैसे ये 5 बाय 100 एक फ्रैक्शन हो गया पैसा में, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में। तो 5 बाय 100 हमारा फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ मैंने 5 बाय 100 के साथ 100 मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने 5 बाय 100 के साथ 100 मल्टीप्लाई किया तो आंसर होगा 100 100 कैंसिल हो गया, 5% होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चला। बट बच्चों, हमें क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि अमाउंट कितना है बताओ, तो अमाउंट कैसे निकलेगा। तो अमाउंट यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क दिया है मैंने, अमाउंट जो है वो कैसे निकलता है मुझे बताओ, अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल तो हमें क्वेश्चन में पता है 4500, क्या पता नहीं है हमें, एस आई पता नहीं है। तो अमाउंट निकालने के लिए हमें एस आई चाहिए, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि एस आई निकालो, सिर्फ बोला है अमाउंट निकालो। बट हमें पता है अमाउंट निकालने के लिए मुझे पी के साथ साथ मुझे एस आई भी चाहिए, इसलिए मैं पहले एस आई निकाला। समझो एस आई में क्यों निकाला, क्योंकि वहां तो क्वेश्चन में तो अमाउंट बोला था ना, तो एस आई निकालोगे तभी ना अमाउंट का फॉर्मा में पुट करोगे एस आई, तभी तो अमाउंट निकलेगा। समझ में आ गया कि एस आई क्यों निकाल रहे हैं हम। जैसे बच्चों हमारा एस आई निकला 4500, जो 450, इसको मैं सॉल्व किया, कितना आंसर निकला 450 निकला। तो जैसे एस आई 450 निकला, उसके बाद मैं फॉर्मा में यहाँ पर पुट कर दिया अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई, तो वैल्यू पुट करने से आंसर निकला 4950। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर टू। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर गया, रमेश टुक ए लोन, रमेश क्या किया, लोन लिया, ठीक है, किससे लोन लिया, बैंक से लिया होगा, कहीं भी लिया, यहाँ पर तो लिखा नहीं है, तो अब समझ लो कहीं से तो लिया होगा लोन, ठीक है। तो रमेश टुक के लोन फॉर ₹80,000 फ्रॉम ए बैंक, हाँ लिखा है ना, बैंक लिखा है, बैंक से लोन लिया एट 12% पर annum एंड पेड इट टू द बैंक आफ्टर 7 मंथ टुगेदर विद इंटरेस्ट। क्वेश्चन में बोला है कि रमेश ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, कितना रुपया, 80,000 बैंक से लोन लिया, कितने ब्याज पे लिया, जो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, ना 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। उसके बाद वो पैसा सब बैंक को चुका, जो लिया था सब चुका दिया, कितने कितने दिन के बाद, 7 मंथ के बाद उसने सब पैसा बैंक को दे दिया, टुगेदर विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ साथ, ठीक है, इतना पैसा तो लिया था, उसके बाद इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट हुआ 7 महीने का, 7 मंथ का जो भी इंटरेस्ट हुआ, उसको इंटरेस्ट के साथ बैंक को लौटा दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ लौटाया, मतलब क्या लौटाया होगा, अमाउंट लौटाया होगा बैंक को। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ भी रहा है, यहाँ पर फाइंड द अमाउंट ही पेड टू द बैंक, कितने अमाउंट उसने बैंक को पे किया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो कैसे, यहाँ पर देखो सोल्यूशन, जैसे हमें पता है पी पी हमें गिवन है, हम पी लिख देंगे, रुपीज रुपीज का सिंबल यहाँ पर तो 80,000। देखो मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, आर कितना है यहाँ पर, आर हमें पता है 7%, सॉरी 12% है आर, सॉरी आर यहाँ पर 12% है। उसके बाद देखो यहाँ पर टी टी कितना है, 7 मंथ है यहाँ पर, टी है 7 मंथ, 7 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, क्यों ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आर हमें बोल रहे हैं, क्योंकि आर यहाँ पर एनम लिखा है, पी ए या साइड में लिख दो पी ए, क्योंकि आर टी को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुझे किस में रहना है, टाइम को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुझे ईयर में रहना है, तो मंथ में है तो ईयर में कन्वर्ट हो जा, ठीक है,
ये इंस्ट्रक्शन उसको मिल रहा है किससे, आर से। तो हमको 7 मंथ को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ईयर कन्वर्ट हो गया। जैसे ही 12 डिवाइड किए तो यहाँ पर ईयर लिख दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी आर टी हो गया। अब हम एसआई निकालेंगे, एसआई का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, यहाँ पर देखो पी है कितना 80,000 रुपये, 80,000 इंटू आर कितना है हमारा 12 इंटू, यहाँ पर देखो टाइम दिया है फ्रैक्शन में, समझाया था फ्रैक्शन कैसे रखा, 7 ऊपर 12 नीचे, फिर ये लंबा सा लाइन यहाँ पर इंटू यहाँ नीचे 100, क्योंकि पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये 7/12 वैसे रहा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 0 नीचे का, ऊपर का 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 12 और 12 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा ऊपर हमारा, 800 बचा इंटू और 7 बचा, तो ये हो गया 5600 हो गया हमारा। तो जैसे हमें क्या पता चला, हमें जैसे ही पता चला क्या, तो हम यहाँ पर निकाल देंगे अमाउंट निकाल देंगे, ठीक है। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, पी प्लस एस आई, तो पी प्लस एस आई, पी कितना है हमारा, पी है 80,000, एस आई निकला हमारा 5600। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा कितना, इसको प्लस करो कितना हुआ, 8,5600, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये बार रुपीस में। तो अमाउंट हमें मिल चुका 8,5600, कितना रुपये वो बैंक को लौटाएगा, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इस वीडियो में इतना ही।